नमस्कार यूटीवी खबर को स्वागत। एही संस्करण रहिछि ब्रह्मपुर रे चांचल्य अबकारी गोइंदा विभाग तरफ 12 लाख टंका मूल्य रो 112 ग्राम ब्राउन सुगर जबत जणे गिरफ। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा फल प्रकाशित नीलकंठ नगर और रामहरि नगर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर छात्र छात्री अद्भुतपूर्व सफलता। विश्व जोनोजस दिवस अवसर में प्राणी चिकित्सालय रे जलांतक टीका प्रदान बुला गाई कुकुर गुड़ी अस्वास्थ्यकर परिवेश रे चिकित्सा करा जाउतबा परिलक्षित। ब्रह्मपुर महानगर निगम तरफ बर्षा दिन को दृष्टि रखी जारी रही सामूहिक सफेई प्रेमनगर मुख्य रास्ता रे नाल सफेई सह जबरदखल उच्छेद। ब्रह्मपुर महानगर निगम तरफ धूपकाठी व्यवसाय करुवा भिन्नक्षम व्यक्ति को मेयरों द्वारा तीन चकिया साइकल प्रदान। एवं ब्रह्मपुर महानगर विभिन्न जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में तीन ठाकुर बामन और परशुराम अवतार बेश अनुष्ठित दर्शन करने को भक्त और श्रद्धालु भिड़। एथर संपूर्ण खबर। अबकारी गोइंदा विभाग तरफ ब्रह्मपुर अंचल ब्राउन सुगर जबत कर संक्रांत जनेक व्यक्ति को गिरफ कर कोर्ट चलाण कर एही ब्राउन सुगर रो अनुमानिक मूल्य प्राय 12 लाख टंका हेबो बोली कुहा जाउतबा बळे एहा 112 ग्राम बोली विभाग पक्षरु कुहा जायछि। सांडी अग्रवाल नामक जनैक युवकंकु गिरफ करा जिबा परे एही ब्राउन सुगर जबत करा जायथिला। ब्रह्मपुर रे दीर्घ दिन हला ब्राउन सुगर व्यापार चालिथिबार खबर आमे पाइलु। एटा आमर अबकारी कमिशनर को आम अवगत करूँ। अबकारी कमिशनर निर्देश रे डेप्युटी कमिशनर प्रत्येक तत्वधान में आम मसे है ब्राउन सुगार बेपारी की ट्राक रखीलु। आज भोरु भोरु गोदावर्षी नगर सेकेंड लाइन रे से मान ब्राउन सुगार धरिकी सप्लाई करने को आसला बेले ठाब करूँ धरिकी तार निकट रू 112 ग्राम ब्राउन सुगार जबत कलु। 6000 टंकार क्याश जबत कलु। जबत ब्राउन सुगार मूल्य हूँ 12 लाख टंका। गोटे गाड़ी तार सीज करा जाए 6000 क्याश डिपोजिट मैं तार सीज करा जाए। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा बुधवार प्रकाश पाई। एहि परीक्षा रे नीलकंठ नगर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर छात्र छात्री माने विगत वर्ष पर अद्भुतपूर्व सफलता हासिल करिसंती। शतकड़ा 99.67 नंबर रखी राज्य स्तर रे जणे छात्र प्रथम रैंक हासिल करिसंती। 342 जण छात्र छात्री मध्यरु ए ग्रेड रे 90% रु अधिक मार्क रखी विद्यार्थी पास होइथिबा बळे ए टू ग्रेड रे 80% रु अधिक मार्क रखी 156 जण पास होइछंती। बी वन ग्रेड रे 70% रु अधिक नंबर रखी 23 जन उत्तीर्ण हो राज्य स्तर रेकर्ड करिसंती। प्रथम स्थान रे शिवराम पात्र मोट 598 अर्थात 99.67%। द्वितीय स्थान रे शाश्वत साहू 595 अर्थात 99.17% और तृतीय स्थान रे दीपक कुमार नायक मोट 599 मार्क। चतुर्थ स्थान रे रुद्रप्रताप स्वाई 587 मार्क। पंचम स्थान रे सुभाषिष दास 586 मार्क। षष्ठ स्थान रे कान्हा साहू स्नेहाशिष साहू श्रियांशी स्वाई 585 मार्क। सप्तम स्थान रे प्रतिनंदा प्रियदर्शिनी स्वाई प्रियांशी पाढ़ी प्रज्ञा महापात्र अमरेश पाणीग्राही दिव्यज्योति पाणीग्राही और गौरी पंडा प्रमुख 584 मार्क रखी सफल अर्जन करथिबा बळे अन्यान्य छात्र छात्री एपरि सफलता अर्जन करी विद्यालयर गौरव वृद्धि करथिबा जोगु प्रधानाचार्य और परिचालना कमिटी कर्मकर्तांक तरफरु समस्त छात्र छात्री और आचार्य आचार्यंकु शुभेच्छा एवं अभिभावक मानंकु अभिनंदन ज्ञापन करा जायछि। परिचालना समिति सभापति डॉक्टर श्रीकांत महापात्र और संपादक नारायण पंडा समेत अन्यान्य कर्मकर्ता समस्त कृति छात्र छात्री को कृतज्ञता जणाइछन्ति। आ
गुरुजगुरुमा परिश्रम बहुत अधिक थिला ता माने बहुत एग्जाम करूथिले ता दर आमे भी प्रिपरेशन करथुलु आ राति न सही कहि परबा पढुथिले बोली पो नाउ छि शिवराम पात्र सर से गुरुजी फोन करथिले 598% रखी जेलि आ सर कहले आसन दुटी गेलु सेत में स्कूल आछि बहुत खुशी सर आ सर स्कूल रो भी बहुत परिश्रम गुरुजी गुरुजी भी खुश बहुत परिश्रम कर सी भी सर 10 घंटा परिश्रम करूला दिन को आउ स्कूल बेले सर तार पूरा कौन से आबसेंट हम सी पाठ बेले तार पाठ बिना आ कि नहीं सर 595 मार्क बहुत बहुत खुशी होती मुझे भाभी मो 99% आए आसानुक मोर पढ़ा यह सब भगवान नीलकंठेश्वर आशीर्वाद और गुरुजीगुरुमा मो आशीर्वाद सर्वोपरि अभिभावक तथा जगन्नाथ आशीर्वाद कृतकार्य हो मन कर शाश्वत साहू से परीक्षा भल नंबर रखे रैंक टॉपर होली भावी 595 मार्क आनी 99% समथिंग से तार परिश्रम फल आज पाई बोली भावी सर ना मु तो श्रेय देवी मु गुरुजी गुरुमा को आजर परिश्रम भी सी कर मिनिमम 5-7 घंटा से परिश्रम कर बर्तमान जो सद्य प्रकाशित फलाफल फायला आमर आशा थी आम शिश मैंने 90% शताधिक रखिए कि बर्तमान जो फलाफल आम देखु दिज शिशु बर्तमान 598 598 600 रु जन शिवराम साहू जन आज जन आम शाश्वत साहू 595 आम आस ओडार आम प्रथम स्थान जनरल रिजल्ट दृष्टि 598 जन हाएस्ट जनरल आम ओडार प्रथम स्थान अधिकार निश्चय करू चलित बर्ष आम 30 बैच परीक्षा दे 342 जन पिला परीक्षा दे आशा कर समस्त निश्चय भल करेंगे आज सर्वोच्च नंबर रखते शाश्वत साहू 600 रु 595 गोटे सर्वकालीन ओडिशा रेकर्ड होती भाई मार्क से शाश्वत साहू रखिंट बहुत खुशी अनुभव करूँ आम जमी फलाफल आशा करूँ से फलाफल होने बहुत खुशी अच्छा रामहरिनगर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर छात्र छात्री माने दशम श्रेणी मैट्रिक परीक्षा रे सफलता अर्जन करी विद्या मंदिर गौरव वृद्धि करिछंती। विद्या मंदिर 35 जन छात्र छात्री ए ग्रेड रे उत्तीर्ण होइथिबा बेले 68 जन ए टू 41 जन बी वन 10 जन बी टू और जणे सी ग्रेड रे उत्तीर्ण होइछंती। सुश्री अर्पिता महांती मोट 588 नंबर अर्थात 98% मार्क रखी गौरव वृद्धि करिछंती। एथिपाई विद्यालय परिचालना समिति सभापति गोपाल कृष्ण पंडा संपादक सुरेश चंद्र विषोई उपसभापति पीतांबर पात्र जुग्म संपादक भजराम विश्वाल कोषाध्यक्ष परशुराम जेना समेत प्रधान आचार्य और अन्यान्य आचार्य आचार्य समस्त विद्यार्थी और अभिभावक को शुभेच्छा जणाइछंती। सेहीपरि बतीघर साहित्य सम्मान पुरस्कार पाइबा पई 588 नंबर रखी अर्पिता महांती को मध्य एठारे अभिनंदन ज्ञापन करा जायथिला। चलित बर्ष मेट्रिक परीक्षा 98% रखी 588 मार्क आई मोर समस्त गुरुजी गुरुमा मो बाबा मम्मी को आ मोर निजर परिश्रम को दायी करी
नीट प्रिपेयर कर डॉक्टर होबा पई चाहुछु चलित दशम श्रेणी परीक्षा रे मो 97% अर्थात 600 रु 582 नंबर रखी एवं एथि निमते मो प्रथमे मो बापा मां को गुरुजी को समस्त गुरुजी गुरुजन मान को एवं मोर गाइडेंस आ मोर भगवान मान को मो धन्यवाद अर्पण करिया चाहौछि कि आगु मध्य मोर किंतु उत्तर आगु मध्य किंतु उत्तर उन्नति कामना पई सहायक प्रदान करिवे बोली मैट्रिक परीक्षा फल प्रकाश पाला पिला बहुत भल परीक्षा फल कर 155 पे परीक्षा देते भितर आम 35 जन ए वन अच्छा अभूतपूर्व सफलता पाइचु या पचर आम पिला परिश्रम गुरुजी गुरुवा जो प्रचेषा और परिचालन सहित प्रोत्साहन ये सबूर समाहार आज आम सफलता पाईपर मुझे अवसर समस्त को अभिनंदन जनाऊँ परीक्षा फल प्राणी चिकित्सालय परिसर में बुधवार जलांतक टीका प्रदान करा विश्व जोनोजोस दिवस अवसर में एठारे चिकित्सालय तरफ कुकुर गुड़ी को एपरी टीका 10 टंका विनिमय प्रदान करा जलांतक रोग द्वारा लोके मृत्युवरण करुवा जो एठारे सचेतनता करा जिला प्राणी चिकित्साधिकारी डॉक्टर देवराज बेहरा उपस्थित रही एही टीका प्रदान करते एथिरे डॉक्टर रविनारायण पंडा डॉक्टर विभु प्रसाद पंडा डॉक्टर मनोज षडंगी समेत अन्यान्य कर्मचारी उपस्थित थिले एही प्राणी चिकित्सालय उपरे ब्रह्मपुर समेत आखपाख अंचल बहु बासिंदा निर्भर करुवा बेले यार परिवेश दूषित होता परिलक्षित होठार सठिक भाव सफे करा बेले गुरुतर अवस्था चिकित्सापी आसुवा बुला गाई कुकुर गुड़ अस्वास्थ्यकर परिवेश चिकित्सा करलक्षित होता तेणु ए दिगरे विभाग कर्तृपक्ष तुरंत दृष्टि देवाई पशुप्रेमी तरफ दावी हो छ जुलाई रे होची वर्ल्ड जूनोसीस् डे जोटा कि आम ये गोटे कैंप करूँ छोटरण कैंप ये लोक मागणा रेबिज्र टीका देवार मागणा आमर जो जिनसा जूनोसीस् डेटा लोक एयरने करने जोटा कि आमर जो रोगटा आनिमल रु ह्यूमन को व्यापुची रोगटा ता भितर के भाइराल डीज हो कि बैक्टेरियल डीज हो माइकोटिक डीज हो ता भितर आम भाइराल जो भाइरसटा पार्भ आमर जो रेबिज भाइरसटा से लोक मान मैक्सीम लोक आनिमल रु आम ह्यूमन मान आसूसी तो आम ये लोक एम स्टार्टिंग जूनोसीस्टा आम जुलाई 6 तारीख 1885 मसीह आम वर्ल्ड जूनोसीस् डेटा सेलिब्रेट सेलिब्रेसन स्टार्ट है तो आम से अनुसार वर्ष को 6 जुलाई आम ये आम कर कैंपटा तो ये कौन होना आम टीका प्रपर्ली वे दि न दिगले प्रोब्लेम हम तर लाल अंश कि जदि तर कौन खंडिया रक्त आम ट्रांसमिशन है मनुष्य मानक से आशंका अच्छी जलांतक रोग जदि रेबिज जगह कहूँ व्यापार आशंका अच्छी तो आम से गोटे बुला कुकुर हो कि पेट डॉग हो ताकू 90 दिन में आम प्रथम भैक्सीनटा कर तो ये लोक एयरनेस करा जेहे गोटे कैंपटा का क्या मानि नुए कि आम रेबिजटा को से रोगटा को आम ट्रांसमिशन केमी हेनी कुकुर कुकुर मानू कि जेकोसी आनिमल पाक ट्रांसमिशन से रोगटा हुए मनुष्य हो कि कुकुर हो सब सेम रोगटा ट्रांसमिशन हुए आम से बेपाप रोगटा को कम मैंने बंद करने से टीका देवा सागर लोक एयरनेसटा बढ़ावाई गोटे कैंपटा अर्गानाइज कर ब्रह्मपुर महानगर निगम तरफ बर्षा दिन को दृष्टि रखी सामूहिक सफे कार्यक्रम जारी रही एही परिप्रेक्षीरे बुधवार प्रेमनगर मुख्य रास्तारे थिबा नाळ अंचलरे एपरि सफेई कार्यक्रम करा जायतिला एही अवसररे मेयर संघमित्रा दळे डेपुटी मेयर ई विवेक रेड्डीक समेत अन्यान्य कॉर्पोरेटर उपस्थित थिले एठारे नाळ सफेई करा जिबा सह नाळ उपरे जबरदखल रहितिबा स्थानक मध्य सफेई करा जायतिला एही परि सफेई कार्यक्रम विभिन्न वार्डरे जारी रहिबो बोली एठारे मेयर दळे सूचना देथिले
ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ବୁଧବାର ଜନୈକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତିନିଚକିଆ ସାଇକେଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏପରି ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ସାଇକେଲ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗରର ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ବୁଧବାର ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ବାମନ ଓ ପରଶୁରାମ ଅବତାର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ତିନି ଠାକୁର ରଥରେ ବସି ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏପରି ବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ଗୋସାଇନୁଆଗା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମେତ ଖାସ୍ପା ସାହିସ୍ଥିତ ସାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ପାତାଳେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାମନ ଓ ପରଶୁରାମ ଅବତାର ବେଶ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ବିଜିପୁର, କୋଟପେଟା, ଗୋଇଲୁଣ୍ଡି, ଖୋଡ଼ାସିଂ, ଶ୍ରୀରାମନଗର, ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ଅବତାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେଜ ପରିସରରେ ବୁଧବାର ପୂର୍ବତନ ବିଡିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ମହାରଣାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବନ ମହୋତ୍ସବର ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅତିଥି ରୂପେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ପ୍ରମିଳା ଖାଡ଼ଙ୍ଗା ଯୋଗ ଦେଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ଅନିତା ପାଢ଼ୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ବିଜ୍ଞାନ ରାଉତ, ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ବିଜେଡି ନେତା ଅଜିତ ପଣ୍ଡା, ମୁକୁନ୍ଦ ଗୌଡ଼, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଟି ଗୋପି, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ସାହୁ, ସୁରେଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ରାଜେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜେଶ୍ୱର ବେହେରା, ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ, ଶୋଭନ ନାୟକ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ, ରୋଶନ ସାହୁ, କେ ମୁନାରେଡ୍ଡି, କାଶୀ ଅମର ଦାସ, ସୁଦୀପ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। କାଇଁ ତମେ ଇଆଡ଼େ ଅନ କିଶୋର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରୋସାହନ ଯୋଜନା କୌଶଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅମ୍ଳାନ ଅଂଶୁମନ୍ତ ସାହୁ, ଅଂଶୁମାନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବିଘ୍ନେଶ ସାମନ୍ତରାୟ, ସଞ୍ଜୟ ରଥ ଓ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ ଏପରି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧୀର ରାଉତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସର୍ବଭାରତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଆସୁଥିବା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। KVPY ଏକ୍ସାମ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରେ। ଆମେ ବେସିକାଲି ନିଟ୍ ପାଇଁ କୋଚିଂ ନେଉଛୁ, ବଟ୍ ଆମକୁ ମଲ୍ଟି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହୁଏ। ତ KVPY ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାହିଁରେ ଆମର ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥ୍ସ, ବାୟୋଲୋଜି ଥିଲା, ବଟ୍ ଆମେ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଅପ୍ସନାଲ୍ ନ ନେଇକି ୱି ଆଟେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ ଓନ୍ଲି ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ୍ ବାୟୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ୍ ୱି ହାଭ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍। ତ ଆଗକୁ ମୁଁ IIT ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରୁଛି, ଆଉ IIT ଭଲ IIT ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଖଲିକଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟର ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ପାଠପଢ଼ାରେ ନିଷ୍ଠା, ପିଲାଙ୍କ ପିଛା ଲାଗି ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ କଷ୍ଟ କରିକି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ତଥାପି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲା ସଫଳତା ସହ KVPY କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ନେକ୍ସଟ ରେଜଲ୍ଟ ବି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ନାଇଜର ଆଉ CBS ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ, ସେଠାରେ ବି
मो सारू पचारि बुझे जाणी हाँ आउ कौन क्वालिफाई कर किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजन आमर कि आठ दस पिला से पांच जन कृतकार्य आने जो लॉकडाउन शटडाउन रो ऑनलाइन क्लास रे मध्य प्रकार जो फल प्रदर्शन कर बहुत खुशी आउ मोर शिक्षक माने जो माने व्यक्तिगत भाव में सब सब पचे पचे रही जो प्रोत्साहन दूसरे और जो दिग्दर्शन दूसरे मार्गदर्शन दूसरे से मोर शिक्षक मानक अशेष धन्यवाद एवं पिलामानंकर बापमा को धन्यवाद कारण मोरल सपोर्ट दे ये जो ये अभावनीय परिस्थिति भितर लॉकडाउन शटडाउन और कोरोना रो अभावनीय परिस्थिति भितर मध्य पिला मानक प्रोत्साहन देकर मनोबल देकर जो पढ़ेबार सुजोग सृष्टि कर अशेष धन्यवाद। गांधीनगर डीएवी स्कूल सम्मुखरे थिबा बोल्ड एंड ब्यूटी जिम्नासियम केन्द्रर प्रथम वार्षिक उत्सव मंगलवार संध्यारे पालित हो जाइछि। दीर्घ एक वर्ष धरी एही जिम्रे पुरुष और महिला मानंक सुंदर स्वास्थ्य पई स्वतंत्र दृष्टि दिया जाउछि। एठारे प्रतिदिन बहु पुरुष और महिला उपस्थित रही विभिन्न कसरत करिबा सह निजर स्वास्थ्य पई सचेतन हेउथुवा एहार मुख्य परिचालक राजश्री दास, आभासी दास, कोच शुभम चौधरी और सुमन जुम्बा सूचना देछन्ते। प्रथम वार्षिक उत्सव अवसर में एठारे केक कटिंग कार्यक्रम अनुष्ठित होइतिला। यह अवसर में अतिथि रूपे समाजसेवी निरंजन दास, स्थानीय कर्पोरेटर रंजिता बेहरा, वरिष्ठ सांबादिक सुदीप साहू, कर्पोरेटर टी त्रिपति पात्र, विजय लक्ष्मी चौधरी प्रमुख जोगदे थे। एठार तालीम ने समस्त कर्मकर्ता उत्साह सह कार्यक्रम में अंशग्रहण करते। कंप्लीट है जिम रो बोल्ड एंड ब्यूटी रो एटा यूनिसेक्स जिम पु झी मान आमर एटा होची माने एक्सरसाइज करी केमती पिलाने ये करिवे माने फिट रहिवे माने केमती उन्नति करिवे तांगर येटा स्वास्थ्य उन्नति करिवे से बोली कह नहीं पु झी समस्ते आस आउ बहुत बढ़िया शिखुं भी आउ बहुत इंटरेस्ट शिखुं मत इच्छा अच्छे झील मैंने किमती सेल्फ डिफेंस कोर्स शिखे ये आम सेल्फ डिफेंस कोचिंग दौचु नॉर्मल जिमिंग ट्रेनिंग दौचु जी वन रूफ अंडर रे जुम्बा कोर फिटनेस वेट ट्रेनिंग ए सब जगह आम वन रूफ अंडर रे दौचु समस्त पिला को जींद आम दबू एडा एक्चुअली जींती नित्यकर्म जींती आम ब्रश करछु गाधोछु खाऊछु सींती गोटे जिमिंग हेले कले आम पाई भलो जिमिंग कले कौन पाई भलो आम आउ डॉक्टर को पैसा बांधिया दरकार नहीं कि आमर नेक्स्ट आ कौन हेल्थ इश्यूज होछि सेटा मींस जल्दी आसीबे ना आमको। जिला मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय तरफरु 24 जन शिशु को मागणारे हृदरोग अस्त्रोपचार करा जायछि। एथिने एक सांबादिक सम्मेलन में जिला जनस्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर जगदीश पटनायक सूचना देते। अवसर में डॉक्टर वी सरोजिनी देवी, संदीप त्रिपाठी और शक्ति कुमार दिगाल प्रमुख उपस्थित थे। पूर्व एपरी शिशु मान अस्त्रोपचार मागणे एठार सूचना दिया जाता। अहमदाबाद स्थित श्री सत्यसाई हस्पिटाल एपरी सफल अस्त्रोपचार करा जन्मरु 18 वर्षर शिशु हृदरोग जनित समस्या और जटिल अस्त्रोपचार कर जनस्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पटनायक सूचना देते। जेनरल
ଆମର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଆଣନ୍ତି ରେଫରାଲ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଇଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମାନେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତା ଭିତରୁ ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଏମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାର୍ଥ ଡିଫେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ହାର୍ଟ ଡିସିଜେସ୍ ଜନ୍ମରୁ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଥ ଡିଫେକ୍ଟ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ହାର୍ଟରେ ହୋଲ୍ ଥାଉଛି ନହେଲେ ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭେଣ୍ଟିକୁଲାର ସେପ୍ଟାଲ ଡିଫେକ୍ଟ ହେଉ କି ଆର୍ଟେରିଆଲ ସେପ୍ଟାଲ ଡିଫେକ୍ଟ ହେଉ କି ଫେଲଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରୋଲ ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିସିଜେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମରୁ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏମାନେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆମର ଇଏ ଗୁଜୁରାଟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ପଠାଇଥିଲେ 24 ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସେମାନେ ପଠାଇଥିଲେ ସେଇଠିକି ସେମାନେ ସବୁଯାକ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଇକିରି ସର୍ଜରୀ ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଗତ ମାସରେ ଆଉ ସେମାନେ ଏବେ ପୁରା ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିକିରି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସେମାନେ ଚଲାବୁଲା କରିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାକ ତାକୁ ଏ ଅପରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ କରିକିରି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେଉଳ ସାହି ନିବାସୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ବୁଧବାର କୋଠାରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ସମାଜସେବିକା ତଥା ଧର୍ମପରାୟଣ ମହିଳା ସ୍ୱର୍ଗୀୟା ନାୟକଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏଠାରେ ପୁତ୍ର ତ୍ରିପଟୀ ବଂଶୀ ଶିବ ଅଜିତ କନ୍ୟା ବୈଜନ୍ତୀ ସୁଷମା ଝୁନୁ ନମିତା ଓ ରୀତାଙ୍କ ସମେତ ପରିବାରର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେହିପରି ଏଠାରେ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁରୁ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ବେହେରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାର କଳାକାରମାନେ ଏଠାରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ତରଫରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 112 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ଜଣେ ଗିରଫ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ନୀଳକଣ୍ଠନଗର ଓ ରାମହରିନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା ବିଶ୍ୱ ଜୋନୋଜସ୍ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଜଳାନ୍ତକ ଟିକା ପ୍ରଦାନ ବୁଲା ଗାଈ କୁକୁରଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ବର୍ଷା ଦିନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଜାରି ରହିଛି ସାମୂହିକ ସଫେଇ ପ୍ରେମନଗର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ନାଳ ସଫେଇ ସହ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମେୟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିନିଚକିଆ ସାଇକେଲ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗରର ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ବାମନ ଓ ପର୍ଶୁରାମ ଅବତାର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ୟୁଟିଭି ଖବରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର